लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के चलते लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा का आयोजन राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती
तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए, वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते।